को इस बारे में प्रसन्नता होनी चाहिए। आज लोकतंत्र के सर्वोच्च स्तंभ देश के संसद में लोकसभा की जो स्पीकर है वह एक महिला है, भारत की विदेश मंत्री महिला है, रक्षा मंत्री महिला है, और भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित स्थानों पर महिलाएं कार्य कर रही हैं। हमें अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, और उस दृष्टिकोण को बदल करके अगर हम लोग इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर बेहतरीन कार्य के माध्यम से हम उन्हें आगे ना बढ़ा सकें। तो आज यहां पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाली इन सभी बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि महिलाओं के कल्याण के लिए यहां पर 1090 एक पहले से हेल्पलाइन है, और महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 181 तार रेस्क्यू वैन प्रत्येक जनपद में प्रारंभ किए गए हैं। हमें किसी भी प्रकार के अत्याचार, अनाचार, शोषण या अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने में अपने आप को कभी भी पीछे नहीं हटाना चाहिए। अगर हम कहीं पर किसी शोषण या किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में मौन हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, अत्याचार केवल हम अपने पर होने वाले अत्याचार में ही मौन नहीं हो रहे हैं, पूरी महिलाओं पर, पूरे समाज पर होने वाले अत्याचार के पश्चात हमारी मौन स्वीकृति हो जाती है, और उस मौन स्वीकृति को कभी भी नहीं दी जानी चाहिए। हमें खुल करके उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सरकार पूरी प्रतिबद्ध है कि हर हाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, और इस दिशा में जो भी प्रयास किए जाने चाहिए हमारी सरकार इस मामले में पीछे नहीं रहेगी। हम लोगों ने तो इस बारे में भी एक प्रयास प्रारंभ करने के लिए कहा है। प्रदेश के अंदर 54 पीएससी की कंपनियां समाप्त हुई हैं। हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि क्या यह संभव है कि कुछ कंपनियां केवल महिलाओं की ही गठित हो, और इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है। महिला कांस्टेबल की ही कुछ बटालियन गठित हो, इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पुलिस विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों से कहा है कि इस दिशा में एक विशेष प्रयास होने चाहिए, जिससे महिला सुरक्षा की दिशा में प्रदेश सरकार देश के अंदर अग्रणी स्थान पर आ सके, और एक बड़ा प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में सबरी संकल्प योजना को प्रदेश सरकार ने लागू किया है। स्नातक तक की बालिकाओं की शिक्षा को पूरी तरह निःशुल्क करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, और अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए हैं वह आप सबके सामने हैं। वित्तीय वर्ष 17-18 में 1494 महिलाओं को प्रदेश के अंदर आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ 19 बालिकाओं को बेंगलुरु की इको संस्था में होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए भी प्रवेश दिलाने का कार्य विभाग के द्वारा किया गया है। जो राजकीय गृह हैं उनमें मेधावी जो बच्चे हैं उनको प्रदेश और देश के जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, जो बोर्डिंग स्कूल हैं, उनमें उनको पढ़ाने की व्यवस्था भी विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इन बच्चों की जो फीस है वह भी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से देने की व्यवस्था हुई है। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि यह जो सम्मान यहाँ पर आज प्रदान किया जा रहा है, इस सम्मान से ये सभी बहनें प्रोत्साहित होकर के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। साथ ही साथ यहां पर आज बेगम अख्तर पुरस्कार दो विभूतियों को यहां पर दिया जा रहा है। यह पुरस्कार 2017-18 का है। इसमें पंडित धर्मनाथ मिश्र जी हैं और उस्ताद सखावत हुसैन खां जी हैं।
मैं इस अवसर पर इन दोनों विभूतियों को भी हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं कि पंडित धर्मनाथ मिश्र जी वाराणसी के प्रसिद्ध सारंगी घराने से संबंधित हैं, लखनऊ के भातखंडे संगीत संस्थान में विगत 30 वर्षों से आपने अनेक प्रतिभाशाली शिष्यों को प्रशिक्षित किया है। पद्म विभूषण से विभूषित गिरजा देवी जी के साथ ठुमरी दादरा की आपकी जुगलबंदी का आयोजन प्रदेश और देश के अंदर सुविख्यात रहा है और देश के सभी प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलनों के कार्यक्रम में आपकी प्रस्तुति के लिए आपको जाना जाता है। आज यहां पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और गायकी के विधा में पूर्णतया पारंगत उस्ताद सखावत हुसैन खां को अनेक पुरस्कार और प्रशस्तियां पूर्व में प्राप्त हुई हैं। अपनी प्रतिभा और दीर्घ साधना के बल पर आपने देश विदेश के अनेक उत्सवों में प्रतिभा कर ख्याति अर्जित की है। मैं आज कला और संस्कृति से, शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए अपने इन दोनों विभूतियों का भी आज यहाँ पर बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित होने के अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि एक साथ रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए आयोजित महिला और बाल विकास विभाग और संस्कृति विभाग ने जो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं को अपनी प्रतिभा और समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए, निरंतरता उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, साथ ही साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उन सभी कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी जो भारत की शास्त्रीय परंपरा की सुविधा को अपने दम पर, अपने बल पर एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार तथा बेगम अख्तर पुरस्कार वितरण समारोह के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री श्रीमान लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, महिला कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेणुका कुमार जी, सचिव संस्कृति विभाग श्री जगतराज जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री जेपी सागर जी, और आज के इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी महानुभाव एवं बहनें, आज यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग और संस्कृति विभाग के द्वारा जो इस सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी बहनों का और बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो महानुभाव हैं पंडित धर्मनाथ मिश्र जी, उस्ताद सखावत हुसैन खां जी, इन सब का यहाँ पर अपनी सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ।
यह हम सब के लिए एक बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि एक साथ 147 से अधिक बहनों का यहाँ पर आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान केवल अपने और पराये के अनुसार चुनकर के आई हुई बहनें नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और जिनके योगदान से उस समय उस क्षेत्र के लोगों को या समाज को एक नई प्रेरणा प्राप्त हुई है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग किसी क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानित करते हैं तो वह समाज स्वयं में अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि भारतीय समाज ने तो सदैव से मातृशक्ति का जो भाव देखा है अपनी धरती माता के लिए, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का भाव इस धरती माता के लिए हम सब ने व्यक्त किया है, नदियों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, और इस पवित्रता का जो भाव है, लेकिन समय के अनुरूप कहीं ना कहीं जब भौतिकता व्यक्ति के सामने उसको देखने को मिली तो उसने भेद करना प्रारंभ किया और उस भेद का दुष्परिणाम सामने भी हमारे है। लेकिन आज भी हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया है, पिछले वर्ष जब उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम सामने आए थे तो मैंने समय माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बात को कहा था कि जो भी इसमें हमारे मेरिटोरियस छात्र हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, ऐसे टॉप 10 छात्रों को यहां पर सम्मान किया जाना चाहिए। तो दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में 147 ऐसे बालक बालिकाएं थीं जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर मेरिट में प्रथम 10 स्थानों में जो आई थी, और मुझे देख करके अत्यंत प्रसन्नता हुई थी कि 147 में से 99 केवल बालिकाएं थीं। यानी कितना भी भेदभाव क्यों ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, उस मेरिट में स्थान बनाया और 99 में से 147 में से 99 बालिकाओं ने उस मेरिट में स्थान बना करके पुरस्कार प्राप्त किया, उन्हें इस मंच ने सम्मानित किया था। स्वाभाविक रूप से वह भाव दिखना चाहिए, वह लगना चाहिए, और आज यही कारण है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान पूरे देश के अंदर चलाया था, क्योंकि आज भी एक संकीर्ण मानसिकता है और हम इस बात को देखते हैं। मुझे प्रसन्नता है एक वर्ष के दौरान थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है इस क्षेत्र में। खासतौर पर अभी भी प्रदेश के कुछ जनपद हैं जहां पर बालिकाओं के साथ भेदभाव की शिकायतें आती हैं, वहां पर लिंगानुपात में जो अभी भी विषमता देखने को मिल रही है उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ये सुधार केवल सरकार के आह्वान पर ही नहीं होगा बल्कि
स्वयं महिलाओं को ही इसके लिए आगे आना होगा। अक्सर मैं इस बात को सुनता हूं कि परिवार में बालिका जन्म लेती है तो उसमें सबसे पहली जो टिप्पणी होती है वो घर की दादी की होती है कि आप फिर आ गई। तो मुझे लगता है कि उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बालक हो या बालिका, मुझे लगता है एक समान व्यवहार अगर उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए होता है तो एक अच्छा कार्य किया जा सकता है, एक अच्छी दिशा में व्यवस्था चल सकती है। व्यापक जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है, व्यापक लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें मैं देख रहा था जो इस सूची यहां पर अभी मेरे पास आई है जिसमें यहां पर मैं देख रहा था कि जिन लोगों को आज यहां पर इस रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, इसमें अगर उन सब की बारे में हम लोग पढ़ेंगे काफी समय लगेगा, लेकिन एक मऊ जनपद मऊ दोहरी घाट से श्रीमती सिंधु के बारे में है कि वह कर्तनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के निशानगाड़ा रेंज में ग्राम रमपुरवा बनकटी में अपने मायके गई हुई थी। किसी तेंदुए ने उनकी बेटी पर हमला कर दिया और मां तेंदुए से भिड़ गई, बच्चे को सुरक्षित करके लेके आई। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे एक मां तेंदुए से भिड़ करके भी अपने बच्चे को सुरक्षित करती है। इसी प्रकार से अन्य एक कुंवर दिव्यांश है, इनके बारे में भी इन्होंने भी कैसे स्कूल जाते वक्त अपने छोटी बहन की रक्षा की है, उनके बारे में भी यहां पर दिया गया है। सुश्री पल्लवी फौजदार के बारे में है, श्रीमती पुष्पा जनपद बहराइच से है, श्रीमती तारा है, कुमारी रितिका है, कुमारी ज्योति श्रीवास्तव इनके बारे में, सुश्री भुवनेश्वरी उपनिरीक्षक है उत्तर प्रदेश पुलिस की, कुमारी सोनिया, श्रीमती सुनीता, सुश्री दिलप्रीत कौर, मनप्रीत कौर कालरा, सुश्री वर्षा चौधरी, श्रीमती विजेता, श्रीमती सावित्री, श्रीमती जीनत, ये सेवा कुंज आश्रम सोनभद्र के क्षेत्र में आश्रम के माध्यम से जो कार्य वहां पर चल रहा है, ये कुमारी तान्या वाराणसी से, पूजा मेलो, सुश्री सालनी, सुश्री दीप्ति शर्मा, सुश्री पूनम यादव, फूल कुमारी उर्फ जूली पांडे, श्रीमती आशा देवी, श्रीमती चंदा देवी, मोहम्मद कलाम, सुश्री नंदनी दिवाकर, कुमारी काजल, सुश्री सुषमा वर्मा समेत ऐसी तमाम उन बहनों की एक लंबी एक सूची है जिन्होंने वास्तव में अपनी वीरता के कारण एक वीरंगना बन करके लोगों के जीवन में उनको सुरक्षा का भाव पैदा करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज के दिन पर इसकी बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आकर के जो अभियान चलाया था वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चलाया था। उसके बाद इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों में रहने वाली उन महिलाओं के बारे में जिनके पास रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से
पहले चरण में 5 करोड़ और उसके बाद इस संख्या को बढ़ाकर के 8 करोड़ ऐसे परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन देने की कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही। आप अनुमान करिए कितना परिवर्तन होता है। हम लोग गांवों में जाते हैं, इस बात को देखते हैं, कम उम्र में 35-40 वर्ष की उम्र में ही उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, मोतियाबिंद की शिकार हो जाती हैं, आंख की रोशनी चली जाती है। आप सोचिए जिसकी आंख की रोशनी चली जाए किन परिस्थितियों से उसे सामना करना पड़ता है, और फिर गरीबी अलग से हो, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उनके लिए लागू कर दी गई। अनेक ऐसे कार्यक्रम उन लोगों के लिए प्रारंभ किए गए। शासन की योजनाएं अगर ईमानदारी के साथ पात्रों तक पहुंच जाए तो बहुत सारे लोगों के जीवन स्तर को उठाया जा सकता है, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो इस लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार है, जैसे हम वीरांगना लक्ष्मी बाई जी को क्यों स्मरण करते हैं, मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने झांसी की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने पुत्र को पीठ पर बांध करके वह झांसी की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी, और उन्होंने हुंकार भरी थी कि मैं चाहे कुछ भी हो, मैं लेकिन मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी। स्वाधीनता किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो स्वाधीनता व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, वह अधिकार आपका व्यक्तिगत हो या समाज का हो, या किसी गरीब का हो, किसी दलित का हो, किसी महिला का हो। जब भी कोई व्यक्ति इस दिश से आगे आता है तो सम्मान का पात्र बनता है। बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादिता आज भी विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। महिलाएं बहुत बड़ा कार्य कर सकती हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में विकास की दिशा से महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। वे ग्राम प्रधान भी हैं, क्षेत्र पंचायत समिति की सदस्य भी हैं, जिला पंचायत की सदस्य भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, विधायक भी हैं, और भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। मैं आह्वान करूंगा जो कम से कम महिला ग्राम प्रधान है वो तय करें हम अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बना के रहेंगे। उनको संकल्प करना चाहिए कि हम अपने गांव में पूरी तरह शराबबंदी को लागू करेंगे, किसी को कच्ची शराब नहीं बनाने देंगे, किसी को शराब पी करके गांव में उदंडता नहीं करने देंगे। कल पद्म पुरस्कारों से सम्मानित एक कार्यक्रम राजभवन में था। आगरा की एक बेटी नाजिया को भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था, और पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मीबाई पुरस्कार से उसे सम्मानित किया था। वह बालिका बीए की छात्रा है, लेकिन उस बालिका ने अपने मोहल्ले में, पहले उस मोहल्ले में एक बालिका का अपहरण करने के लिए कुछ माफिया तत्व आए थे, वह बालिका अकेले भिड़ करके उस बालिका की रक्षा करती थी, नहीं उसने अपहरण होने दिया था। और फिर उस मोहल्ले में जुआ खेला जाता था, वह बालिका अकेले उसके खिलाफ लड़ी, थाने के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, थाने में ही धरने में बैठ गई, और थाने में धरने में बैठ करके अंततः पुलिस को मजबूर होना पड़ा। आज वहां से माफिया तत्व साफ हो गए हैं, आज वहां पर कोई जुआ नहीं खेल सकता है। आप सोचिए कि किसी परिवार में एक व्यक्ति अगर जुआ खेलता है तो पूरा परिवार तो तबाह हो जाता है, एक साथ 5 लोग तबाह होते हैं। किसी परिवार में एक व्यक्ति शराब का आदि हो जाता है, नशे का आदि हो जाता है, अकेले वह व्यक्ति नहीं मरता बल्कि अपने साथ 5-7 लोगों को भी लेकर के जाता है, और फिर उसका दुष्प्रभाव जितने लोगों पर पड़ता होगा उसकी कीमत भी समाज को चुकानी पड़ती है। समाज में कहीं कोई गंदगी है, समाज में अगर कोई कुरूति है, कोई रूढ़िवादिता है, उससे केवल एक व्यक्ति नहीं
बल्कि अंततः वो पूरी क्षति समाज की होती है, अपूर्णीय क्षति होती है। और उस अपूर्णीय क्षति से बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन आप सबके माध्यम से हो सकता है। और इसलिए हम लोग आह्वान करेंगे कि हमें उसमें व्यापक परिवर्तन, विकास के लिए पैसा जाता है। आप सोचिए कि इस समय गांवों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, शासन भी पैसे की कमी नहीं आने देना चाहती है। विकास की दोहरी को हम गांव में पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है ग्राम स्वराज के उस सपने को साकार किया जाए जो गांधी जी ने देखा था, लेकिन यह सपना केवल सपना ही नहीं रहना चाहिए, वास्तविकता में बदलना चाहिए। आज हम हर कार्य को सरकार के भरोसे करना चाहते हैं, जब सरकार आएगी तब सफाई करेगी। क्या हम गांव में ऐसी सामुदायिक भावना पैदा नहीं कर सकते कि गांव के सभी लोग मिलकर के अपने गांव में स्वच्छता का अभियान सप्ताह में एक दिन तो जरूर करें। गांव में हम लोग कहीं जल जमाव नहीं होने देंगे। गांव में आवंटित होने वाली धनराशि कोई ग्राम प्रधान हो, कोई क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का सदस्य हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, या कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह उसका मालिक हो गया, वो कुछ समय के लिए आया है। लेकिन एक सामुदायिकता का भाव कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। गांव में प्रधान एक होगा, आप उसके प्रति सम्मान का भाव पैदा करिए, उनके साथ बैठिए और उनसे कहिए कि हम गांव में अपने गांव का हमें स्वच्छ और सुंदर बना के रखना है। गांव में विकास का जो पैसा हो वह बैठ करके तय हो कि किन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत स्वयं कर सकती है, कौन से कार्य क्षेत्र पंचायत के लिए भेजने चाहिए, कौन जिला पंचायत को भेजने चाहिए, किन कार्यों के लिए हमें विधायक से संपर्क करना चाहिए, किस कार्य के लिए हमें सांसद से संपर्क करना चाहिए। और फिर इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन वह सामुदायिकता का भाव विकास के कार्यों के प्रति हमारे मन में नहीं है, और इसका कारण है कि विकास का पैसा होने के बावजूद उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, लोग उससे वंचित रहते हैं, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। गांव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में राशन है, लेकिन जो पात्र लोग हैं उनके पास राशन के कार्ड नहीं हो पाते हैं। अगर कोई गांव में निराश्रित है, हमारे आसपास कोई निराश्रित है, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई वंचित है, आखिर शासन की योजना का लाभ उस तक क्यों ना पहुंचे? क्या हम कर सकते हैं कि हर गरीब के पास अंत्योदय या पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड होना ही चाहिए और उस तक राशन उसे मिले ही, इस बात के लिए क्या हम आसपास के क्षेत्र को विवश कर सकते हैं? ये हमें करना चाहिए। थोड़ा प्रयास कर लेंगे आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। लेकिन जब कोई अभाव से मरता है, गरीबी से मरता है, भूखमरी से मरता है, तो मौत तो एक ही होती है लेकिन वह कलंक पूरे समाज पे लगता है। उस पीड़ा को समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि वह सबसे बड़ा कार्य हो सकता है। इस बारे में जिस क्षेत्र में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, शासन की अनेक योजनाएं हैं, मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पर इतनी योजनाएं शासन की है कि अगर उन योजनाओं को हम पात्रों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा भी प्रयास कर लें तो कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता है, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में नहीं मर सकता है, यह एक बात की इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सकता है। लेकिन उन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समाज के जागरूक लोगों को आगे आना पड़ेगा। समाज के जागरूक लोग आगे आए, आगे बढ़ें, और इस दिशा में एक विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, आपने देखा होगा भारत में तो आज से नहीं आदिकाल से इस परंपरा चली आ रही है। कोई ये कहे कि आज पढ़ी लिखी महिलाएं ही आगे हैं, ऐसा नहीं है। आज तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से आ रही थी। कैसे परिवर्तन होता है, मैं देख रहा था एक दिन यहां पर, कल मैं समाचार पत्र में देख रहा था, पता नहीं वह उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग थे या कौन लोग थे, उन्होंने एक चित्र पर, एक महिला के चित्र पर पुष्पांजलि कर रहे थे। वो चित्र मैंने देख रहा था, मैंने देखा चित्र बड़े गौर से, तो वह गौरा देवी का था,
श्रीमती गौरा देवी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। यह 80 के दशक में चिपको आंदोलन एक बहुत मशहूर आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। उस समय व्यापक पैमाने पर उत्तराखंड में वनों की कटाई हो रही थी और वह एक यानी अनपढ़ महिला थी, लेकिन वह अपने गांव में एक आंदोलन चलाई कि हम वनों को नहीं कटने देंगे। और उन्होंने वनों में जब कोई काटने के लिए जाता था, कोई माफिया काटने के लिए जाता था, तो अब उन अपनी महिला मित्रों के साथ जाकर के उन वनों के साथ चिपक जाती थी। आंदोलन का नाम ही चिपको आंदोलन पड़ गया। आप देखें आज श्रीमती गौरा देवी जी नहीं हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया था उसका स्मरण आज भी समाज कर रहा है। आज भी मैं देख रहा था कि कल लखनऊ में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनका स्मरण कर रहे थे। यह एक स्थिति है और मुझे लगता है कि बहुत व्यापक क्षेत्र है जिसमें कार्य किया जा सकता है, और उस क्षेत्र में जो भी कार्य करे, लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से हमारी सरकार उसे सम्मानित करेगी, और भी उसमें कोई सीमा नहीं है कि हम केवल इतने ही लोगों को करेंगे, जो भी जिस क्षेत्र में कार्य करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को विभाग ने चुना है, उन्हें आज एक साथ यहां पर सम्मानित करने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सम्मान उनके कार्य की तुलना में छोटा है, लेकिन उनके कार्यों के साथ अपने आप को सरकार जोड़ रही है कि नहीं, सरकार आपके साथ खड़ी है, आप इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाइए। और इस दिशा में एक जो बेहतर प्रयास हुआ है,